शक्ति न्यायालय परिसर सभागार में अधिवक्ता संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि महिला आयोग सदस्य अधिवक्ता शशिकांत राठौर, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती गीता निवारे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजेश्वरी सूर्यवंशी द्वारा मां सरस्वती के तैलचित्र पर पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। शक्ति न्यायालय परिसर सभागार में अधिवक्ता संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि महिला आयोग सदस्य अधिवक्ता शशिकांत राठौर, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती गीता निवारे, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश्वरी सूर्यवंशी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलदीप भारती एवं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एवं सदस्यगण की उपस्थिति में सर्वप्रथम मां सरस्वती के तैलचित्र पर पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर महिला आयोग सदस्य शशिकांत राठौर ने कहा कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में देवता वास करते हैं। उन्होंने कहा कि पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक है, जैसे दो चक्के बिना गाड़ी नहीं चलती, उसी तरह महिला एवं पुरुष एक दूसरे के सहयोग के बिना नहीं रह सकते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने में पुरुषों को सहयोग करना चाहिए। एक समय नारी को अबला कहा जाता था, लेकिन अब ऐसा समय नहीं रहा। महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य कर रही है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजन किया गया है वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत है, जिसमें सभी महिलाएं जो किसी प्रकार से पीड़ित हो वह लोक अदालत में पहुंचे। हम उनके बातों को गंभीरता से सुनेंगे और उन्हें न्याय दिलाएंगे। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश्वरी सूर्यवंशी ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और पुरुषों से पीछे नहीं है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलदीप भारती ने कहा कि हमारे माता पिता ने हमें इस योग्य बनाया है और हम आज इस स्थान पर है, और आज महिलाएं देश में प्रधानमंत्री के पद से लेकर राष्ट्रपति के पद पर आसीन है। पुरुष केवल अपने ही परिवार को आगे बढ़ाता है, परंतु महिला दो घरों को आगे बढ़ाती है। एक महिला अगर शिक्षित होती है तो वह अपने साथ साथ दोनों परिवारों को शिक्षित करती है। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए सभी महिलाओं को सम्माननीय सभी नारी शक्ति को बहुत बहुत शुभकामनाएं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आज न्यायालय में और बाकी जगहों पर शिविर आयोजित कर हमारे विधिक साक्षरता शिविर की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सबसे पहले उन्हें यही संदेश देना चाहेंगे कि नारियां अपनी शक्ति को पहचानें और अपने क्षेत्र में बड़े से बड़ा काम करें तथा समाज को आगे ले जाएं। उसके साथ ही हमारे न्यायालय से एक और संदेश है उनके लिए कि 12 मार्च को लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, तो जिन भी महिलाओं का हमारे यहाँ केस है तो वो आए हमारे पास, हम उन्हें पूरी न्याय देने की कोशिश करेंगे और उनका प्रकरण जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे। शक्ति से रामनारायण गौतम की रिपोर्ट, ACN 24।